थराली चमोली उत्तराखंड से। पिंडर घाटी के सुप्रसिद्ध लाटू मंदिर धाम के कपाट 6 महीनों के लिए खुले। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रहे मौजूद। चमोली जिले के पिंडर घाटी में स्थित नंदा देवी राजजात मार्ग के आखिरी गांव वाड़ में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन लाटू देवता के मंदिर के कपाट आज वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर 6 महीनों के लिए कुनियाल ब्राह्मणों के विधि विधान से पूजा अर्चन करने के साथ खोल दिए गए। इस अवसर पर राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रहे उपस्थित। बताते चले, लाटू देवता मूल रूप से कन्नौज के वैष्णव थे। प्राचीन काल में वो अपनी इष्ट देवी भगवती की खोज में आकाश की ओर चले तो वाड़ गांव में ही रुक गए। तब से आज तक नंदा देवी की प्रत्येक लोकजात और राजजात की अगवानी लाटू देवता ही करते हैं। नंदा भगवती ने लाटू देवता को अपना धर्म भाई मान लिया। मान्यता है कि यहाँ हर किसी की मनोकामना होती है पूरी। आज कोरोना काल की गाइडलाइंस के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ सीमित रही। पूर्व में यहाँ कपाट खुलने के अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ आती थी। आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी में कुनियाल ब्राह्मणों ने दुर्गा और विष्णु सहस्त्रा नाम का पाठ कर लाटू धाम के कपाट खोलकर श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना कराई। उत्तराखंड की देव संस्कृति में झोड़ा चांचरी जो आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर लाटू देवता की स्तुति की जा रही है, पूजा की जा रही है। और सभी से आग्रह है कि मास्क पहने हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, देह दूरी रखते हुए, सैनिटाइज करते हुए जो है इस पर्व को मनाएं और इसके बाद जो है वैक्सीन जरूर लगाएं। सभी से आग्रह है कि देश को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है तो हमें वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। उसके लिए मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ। यहाँ पर देव संस्कृति की झलक आपको देखने को मिल रही है। भगवान लाटू से ये प्रार्थना है कि हमारा प्रदेश और देश जो है निरोगी हो और कोरोना के राक्षस का आप वध करें, उसे समाप्त करें और हमारा देश आगे बढ़े, उसका विकास हो, यही प्रार्थना हमारे लाटू देवता से। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धानीत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।